दोस्तों आज हम बात करेंगे इस साल की पांच बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म पठान, उपेंद्र राव की फिल्म कब्जा, रणवीर कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार, साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म दसरा और अजय देवगन की फिल्म भोला शामिल है। और आपको बताएंगे इन पांचों फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना आज का और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस का इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार और कौन सी फिल्म बनी इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ, नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उपेंद्र राव किच्चा सुदीप की फिल्म कब्जा के बारे में। आपको बता दें कब्जा फिल्म को लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं फिल्म की कहानी काफी अच्छी होने की वजह से इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। वो फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 10 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ग्रोथ कमाई की, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने दूसरे और तीसरे दिन काफी अच्छी ग्रोथ पाएगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने दूसरे दिन तो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाई और लगभग 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। लेकिन फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन में लगभग 50 से 60% की ड्रॉप देखी गई और किच्चा सुदीप उपेंद्रा की फिल्म कब्जा ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा ड्रॉप पाते हुए 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 12 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और उपेंद्र राव की फिल्म कब्जा अपने 12 दिनों में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। वहीं अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो कब्जा फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 51 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस वजह से फिल्म अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी और बड़ी फिल्म पठान के बारे में। आपको बता दें पठान फिल्म में आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे। वहीं पठान फिल्म का बजट था 250 करोड़ रुपए, लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पहले दिन का सभी लैंग्वेज का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रहते हुए 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। वो फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन अगर पठान फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 64 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान का अभी तक का सभी लैंग्वेज का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 543 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा रहा। लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक लगभग 1054 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्म पठान वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से लेकर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से लगभग 4 गुना से भी ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी और बड़ी फिल्म तू झूठी में मक्कार के बारे में। आपको बता दें इस फिल्म में आपको रणवीर कपूर के साथ श्रद्धा कपूर लीड रोल में दिखाई दी थी। वहीं फिल्म का बजट था लगभग 70 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और यंग ऑडियंस को काफी ज्यादा फिल्म पसंद आने की वजह से यंग ऑडियंस ने इस फिल्म को 4 स्टार रिव्यू दिया। इस वजह से इस फिल्म को लेकर भी काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिला और लगभग 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने की वजह से तू झूठी में मक्कार फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 15 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा की ओपनिंग करने में कामयाब रही। वहीं फिल्म का दूसरे और तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा और फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाएगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के पहले और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने अपने पहले हफ्ते अपने बजट को आसानी से रिकवर करते हुए 82 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 19 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार अपने 19वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का अभी तक का 19 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 126 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। वो फिल्म अपने बजट से लगभग 1.5 गुना से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर प्रॉफिट कमाने में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा फिल्म लाइफ टाइम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की चौथी और बड़ी फिल्म दसरा के बारे में। आपको बता दें दसरा फिल्म में आपको साउथ सुपरस्टार नानी के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले हैं। वहीं दसरा फिल्म का बजट 65 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को साउथ के साथ साथ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वो फिल्म को सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2300 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली, जिस वजह से
फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिला। लेकिन अगर फिल्म के रिव्यू और कलेक्शन की बात करें तो दशहरा फिल्म में काफी अच्छा एक्शन पैक फिल्म होने की वजह से नानी के फैंस ने तो इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया। इसी के साथ क्रिटिक्स ने भी दशहरा फिल्म को 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। जी आपको बता दें, दशहरा फिल्म अपने रिलीज के पहले ही 10 करोड़ रूपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी थी, जिस वजह से फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक 2 गुना से भी ज्यादा रहा। जी आपको बता दें, फिल्म साउथ में काफी अच्छी कमाई कर रही। वो फिल्म का साउथ में पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 26 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर फिल्म के पहले दिन के सभी लैंग्वेज के टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो कब्जा फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकती है। लेकिन अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करते हुए लगभग 46 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई कर सकती है, जिस वजह से फिल्म अपने दूसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर कर लेगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिल्म लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की आखिरी पांचवी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक भोला के बारे में। आपको बता दें, भोला फिल्म में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के साथ तबू लीड रोल में दिखाई दी है। वहीं फिल्म का बजट है लगभग 100 करोड़ रुपए। लेकिन इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वो फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा। लेकिन अगर फिल्म के रिव्यू और कलेक्शन की बात करें तो भोला फिल्म में आपको काफी अच्छा यूनिक एक्शन देखने को मिला, जिस वजह से इस फिल्म को एक्शन पैक फिल्म या मास ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और भोला फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देखा जा रहा। फिल्म को मिले पॉजिटिव रिव्यू की बदौलत फिल्म के सेकंड शो से ही फिल्म की ऑक्यूपेंसी में लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने पहले दिन जहां 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग करेगी। लेकिन सेकंड शो के ग्रोथ के बाद फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी जंप पाते हुए लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की ओपनिंग करते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला अपने पहले दिन 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इस साल की बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के कलेक्शन के मामले में तो साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, जिस वजह से साउथ सुपरस्टार नानी बनेंगे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और दशहरा बनेगी आज के इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन अगर आपने इन पांचों फिल्मों को देखा है तो आपको इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इन पांचों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म और सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म? शाहरुख खान की फिल्म पठान को, उपेंद्रा की फिल्म कब्जा को, रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार को, अजय देवगन की फिल्म भोला को, या साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा को? और आप इन पांचों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन हैं? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। सुनाए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ, नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।